नमस्कार दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है YouTube चैनल में। मैं हूं सीआरके, आपके लिए लाया हूं दोबारा एक्सेल में। कल जैसे अपन ने पढ़ा है वो आपने वीडियो जरूर देखा होगा, आज दोबारा उसी एक्सेल पे अपन आगे कुछ नया सीखने को जा रहे हैं। तो कल जैसे मैंने बताया था आपके सामने की वर्कबुक वर्किंग नाम से एक फाइल अपन ने सेव की है, वो सेव की हुई फाइल को आज दोबारा अपन ने ओपन किया है। अब ओपन करने के बाद में इसमें कुछ छोटे छोटे टैब्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, छोटे छोटे आइकन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें सबसे पहले एक्सेल में काम आने वाली चीज़ें क्या होती हैं। तो दोस्तों, वर्किंग फाइल जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया है, कर्सर जहाँ पे जा रहा है, इसको अपन बोलते हैं एड्रेस बार, सॉरी टाइटल बार, जिस पे अपन सारे फाइल को सेव कर रखा है, सेविंग जहाँ लिखा आ रहा है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। दोस्तों ये फाइल मेन्यू इंसर्ट पेज लेआउट है, इसको अपन बोलते हैं, ये जो इसको अपन बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। एक्सेल में ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, हेल्प व्यू, रिव्यू, डेटा, इसको अपन मेन्यू बार बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद में जो यहाँ पे मैं साइड में एक आइकन दिखाई दे रहा है, जिस पे लिखा हुआ आ रहा है मिनिमाइज। क्या लिखा आ रहा है? मिनिमाइज। कर्सर को इस पे ले जाते हैं, मिनिमाइज आ रहा है। मिनिमाइज का अर्थ होता है किसी भी फाइल को एड टास्क बार पे ले जाना और वापस रीओपन करना। मैंने मिनिमाइज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गई है, वापस इसको ओपन किया तो ये अपने स्क्रीन पे शो होने लग गई है। मिनिमाइज के जस्ट पास में एक बटन दोबारा दिखाई दे रहा है, जिसको अपन बोलते हैं मैक्सिमाइज। क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज। दोस्तों मैक्सिमाइज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये फाइल का आकार छोटा हो जाता है, वापस मैक्सिमाइज करता हूँ तो बड़ा हो जाता है। तो ये मैक्सिमाइज छोटा और बड़ा करने के काम में आती है। दोस्तों इसके पास में एक क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, इस क्रॉस के निशान को बोलते हैं क्लोज। किसी भी फाइल को बंद करने के लिए क्लोज का यूज किया जाता है। ये मैंने क्लोज पे क्लिक किया, फाइल बंद हो गई। अब अपनी फाइल ये वर्किंग है, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, राइट क्लिक किया और ओपन किया तो ये फाइल अपने सामने ओपन हो गई है। दोस्तों अब एक्सेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्क जो है, इसके बाद नियर बाई C2 लिखी हुई है, इसको सीट बोलते हैं। इस सीट को अपने को ऐड करना है, डिलीट करना है, नेम करना है, तो ये आपके सामने है। इसे जिस पे कुछ वर्किंग करनी है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस से, इंसर्ट करना है सीट तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे आपके सामने इंसर्ट से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये बॉक्स के ऊपर वर्कशीट लिखा हुआ, तो वर्कशीट को सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, ये अपने सामने एक शीट आ गई है। अब इसी शीट को वापस अपने को डिलीट करना है तो राइट क्लिक कीजिए, और जिससे एक डिलीट का आइकन आ रहा है जहाँ पे लिखा होता है डिलीट, तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये शीट डिलीट हो गई है। दोस्तों दोबारा इसी पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम इसको फाइल का करना है, तो जैसे सीट 1 है, सीट 1 का मेरे को नाम देना है वन, वन मैंने इस चीज का नाम दे दिया है तो ये वन नाम हो गया है। दोस्तों इस सीट को मूव एंड कॉपी करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या आ रहा है, एक डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स ओपन होता है। अब इसमें आपको कॉपी करना है या मूव करना है, तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि कॉपी करना है, तो ये जो है इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना, तो इस पे सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट जो है, इस पे सेलेक्ट करने बाद में एक क्रिएट टू कॉपी पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब जो वर्कबुक है वन था, उसका वन कॉपी बन के वन टू हो गया है। दोस्तों इस पे दोबारा क्लिक करेंगे और मूव पे अभी देखेंगे कि इसको मूव कहाँ करना है, तो ये दो जिस फाइल को भी मूव करना है, जिस सीट को भी मूव करना है, उसको अपन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे एंड, एंड करके एंड पे कर देंगे तो ये यहाँ पे एंड पे शो होने लग गई है। दोस्तों ये हो गया फाइल का मूव करने का तरीका। अब इसके अंदर आगे आता है प्रोटेक्ट सीट व्यू कोड, ये जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे
सीट को हाइड करना है। तो दोस्तों हाइड करने के लिए कलर करना है, कलर के लिए राइट क्लिक करेंगे और इस सीट पर क्लिक कर देंगे। देखेंगे तो इस सीट का कलर चेंज हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर मैंने ये कलर कर दिया है सेलेक्ट करके, तो इस सीट का कलर चेंज हो गया। दिख रहा है आपको डिफरेंस को चेंज? दोस्तों ये सीट का कलर चेंज हो गया है। और कोई भी चेंज कलर नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है नो कलर, तो इसको नो कलर कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस फाइल को मैं नो कलर कर देता हूँ। अब अपन फाइल पे वर्क पे काम कर रहे थे, सीट को हाइड कैसे करते हैं दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट सीट है। इसको मुझे क्या है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई फाइल किसी को भेजनी है तो मुझे शो नहीं करना है, मेरी वर्किंग दिखानी नहीं है, तो उसके लिए मैं सीट को हाइड पे क्लिक कर दूंगा। सीट हाइड हो जाएगी, सामने सिर्फ वर्क वाली ही फाइल की शो होगी। अब जो सीट अपन ने हाइड की है दोस्तों, उसको वापस अनहाइड करना है, तो यहाँ जाएंगे और अनहाइड कर देंगे। अनहाइड जितनी भी सीट होगी वो आपके सामने शो होंगे। यहाँ पे अपन ने एक सीट अनहाइड कर रखी है, इसको ओके करेंगे तो ये सीट अपने सामने आ गई है। तो दोस्तों मैं अभी आपके सामने ये सीट को डिलीट करने जा रहा हूँ, और ये मैंने डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद में अब दोस्तों मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा कर्सर जहाँ टिका हुआ है, जिसमें जहाँ पे ले जा रहा हूँ, इसका कुछ क्या बोलते हैं इसको, इसको कॉलम को बोल इसको बोलते हैं सेल। दोस्तों मैंने हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं सेल। बेसिक चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिक से बेसिक चीजें मैं आपको एक्सेल में समझाऊंगा, आप एक एक करके अच्छी तरीके से आपको सेल समझ में आएगी। तो ये इसको बोलते हैं अपन सेल। दोस्तों मैं ये हाईलाइट कर रखा है, जो इसको बोलते हैं दोस्तों कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। दोस्तों इसके बाद में मैंने ये ऐसे हाईलाइट किया है, इस सीट को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। तो सबसे पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, अपन जिसमें टाइप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो सेल बोलते हैं। अब दोस्तों जहाँ पे अपना क्रेशर जा रहा है, जो लिखा हुआ है ये कहाँ दिख रहा है, इसका कोई एड्रेस होना चाहिए। तो ये जो कॉलम लिखा हुआ आपको सामने आ रहा है, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो एड्रेस बार। अब ये एड्रेस कैसे करता है, रो पे क्लिक किया तो यहाँ बता रहा है कि ये कॉलम बार में एड्रेस बार है। इसका एड्रेस क्या है? C5। सी का मतलब कॉलम नंबर सी और रो नंबर 5, राइट? दोस्तों समझ में है आपकी? ये C5 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, कॉलम नंबर कॉलम सी और रो नंबर 5। 5 रो में जो अपन ने लिखा है ये, इसका एड्रेस यहाँ पे बता रहा है सी और एड्रेस बार में, इसको अपन एड्रेस बार बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये बेसिक नॉलेज आपको मिला होगा, इससे आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा। कल अपन स्टार्ट करने वाले हैं फाइल में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं और इसमें अपन कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज आपको इसमें मिला है, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या होता है, और शीट को कैसे अपन ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आपको एक्सेल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छी तरह आपको एक्सेल समझ में आएगा, हिंदी मीडियम लेके मैं चल रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय।